ओपनिंग तो बहुत हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज लाहौर से वापसी इस्लामाबाद का सफ़र तय पाया और आपको मालूम है नाज़रीन के पाकिस्तान में ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं और मैं भी जब लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा था तो सारे रास्ते बारिश होती रही और बारिश का शदीद सिलसिला जो है वो एक जारी है। आज भी हम इस पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये सिलसिला कहीं ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होने जा रहा। हम बात करेंगे महकमे मौसमियात के अफसरों से और उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा आज हमारे यहाँ गेस्ट नहीं होंगे, आज हमारे गेस्ट होंगे। इसके अलावा हम चार पांच टॉपिक्स को डील करेंगे, इट विल बी अ बुकी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। इसमें आपको बताता चलूँ कि आज हम बात करेंगे इराक में अमरीकी मुदाखलत के। आपको मालूम है कि 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका क्या मजमरात होंगे, क्या वहाँ से अमेरिकन ट्रूप्स विदड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका भी हम जायजा कर लेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे नजमुद्दीन शेख साहब जो कि सबक सेक्रेटरी खारजा हैं। इसके अलावा अमरीका ने नई फलस्तीनी हुकूमत जो एक यूनिटी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं वो बनी है, उसके खिलाफ भी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे तनवीर अहमद खान साहब के साथ जो भी सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बारिशों के बारे में बात होगी और एक और खबर यह है कि क्रिकेट की जो कैजुअल्टीज हैं वो आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं और आज की जो ताज़ा तरीन कैजुअल्टी है वो चेयरमैन PCB डॉक्टर नसीम अशरफ साहब का इस्तीफा है। हम देखेंगे कि इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कोशिश करेंगे कि उनसे खुद बात हो, अगर नहीं तो फिर हम दूसरे लोगों से बात करने का इसका इम्पैक्ट जाँचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा FIA ने एक कैंपेन चलाई है जाली अद्वियात के सिलसिले में, हम उसको भी देखेंगे कि उसका क्या सिलसिला चल रहा है। खासा बड़ा एक नेटवर्क है जो कि जाली अद्वियात का, जिनको स्पूरियस ड्रग्स कहते हैं, वो इस माशरे में लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम होगा। हम चलेंगे खबरों की तरफ, लेकिन एक खबरों से पहले एक लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर खबरें होंगी और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक आफ्टर द न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के लिए आज मैं खुद हाजिर खिदमत हूँ। आज खबरें हम खुद आपको सुनाएंगे जनाब, और मेरे साथ हैं सुहेल फारूक साहब। सुहेल फारूक साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। और पहली खबर, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज नहीं की जा रही है और इंतखाबात अपने मुकर्र वक्त पर ही होंगे। उन्होंने ये बात जियो टेलीविजन को इंटरव्यू में कही। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि गैर फाल जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस उन्हें इंतहाई एहतियात आईनी और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया, जो बतौर सदर पाकिस्तान उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। यहां पे एक ब्रेक फिर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बात होती है। प्लीज सिट टाइट।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। ग्वादर में वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की सदारत में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में ग्वादर बंदरगाह और शहर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए सूबों में वफाकी काबीना के इजलास मुनक़िद करने की रवायत बरकरार रखेगी। ग्वादर में पाकिस्तान के गहरे पानी की पहली बंदरगाह का इफ्तिताह आज हो रहा है। बंदरगाह 3 साल के अरसे में 16 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुई है। इराक के साबिक नायब सदर तौहा यासीन रमजान को बगदाद में फांसी दे दी गई है। उन पर 2 जेल में कत्ले आम का इल्जाम था। बगदाद में वजीर आजम हाउस के तर्जमान ने फांसी की तस्दीक की है। साइबेरिया में कोयले की कान में धमाके से 78 अफराद हिलाक और 2 जख्मी हो गए हैं, जबकि 88 अफराद को बचा लिया गया है। इस्लामाबाद में 23 मार्च के सिलसिले में होने वाली मुसल्ला फौज की फुल ड्रेस रिहर्सल शदीद बारिश की वजह से मुलतवी कर दी गई है। इसमें बहुत से लोग आज एक्सपेक्टेड थे, हम भी उसमें जाना चाहते थे, लेकिन शदीद बारिश की वजह से नाज़रीन इसको मुलतवी कर दिया गया है। बारिशों का सिलसिला भी आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले कहा कि खबर उसमें भी है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, सूबा सरहद, शुमाली इलाका जात और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की इत्तलात मिली हैं। खबरों की सिलसिला चल रहा है और बाकी होंगी खबरें खेलों की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, वापस आते हैं। खेलों की खबरों में नाज़रीन डॉक्टर नसीम अशरफ साहब की खबर है और वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। ये बात बाखबर ज़राए ने पाकिस्तान टेलीविजन को बताई और ये आपको मालूम है कि एक सिलसिला, जैसे मैं पहले भी ओपनिंग में भी कहा था कि कैजुअल्टीज़ का सिलसिला जारी है, यह भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 6 विकेटों से हराकर वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरे मैच में भारत ने बरमूडा को 257 रन से हराकर नया रिकॉर्ड कायम किया। यह भी एक रिकॉर्ड था नाज़रीन जो भारत ने कायम किया है। काश कि हमारी टीम भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड कायम करती और फिर बेशक वापस आ जाती, लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त रिकॉर्ड का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। एक मैच बाकी है पाकिस्तान का। यह सिलसिला खबरों का अब खत्म हुआ नाज़रीन और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम को देखेंगे कि हम किस तरह बढ़ाते हैं, उसमें आपकी कॉल्स भी हमने लेनी है। सुहेल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। आप हमें कॉल्स के जरिए अपने कंसर्न्स जो हैं वो बताइएगा और बताइएगा कि आप इन मामलात के हवाले से क्या सोचते और समझते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो आज के टॉपिक्स हैं ये डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, 4-5 टॉपिक्स का एक बुके हम आपके सामने पेश करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी लें और आपकी कॉल्स जो हैं एंटरटेन करें। आपकी कॉल्स के लिए हमारे नंबर्स होंगे 9222925 और दूसरा नंबर है 9220458 और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk। आप इसमें हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं और ईमेल्स की जहां पे बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ कुछ ईमेल्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा चाह ये रहा था कि चंद एक ईमेल्स मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स हैं और कुछ लोगों ने तो इतना गुस्सा और गम और इतना रंज का इजहार किया है कि वो ईमेल शायद मैं पढ़ भी ना सकूं, इस तरह की वो बड़ी टफ किस्म की ईमेल्स हैं। हम ये ईमेल्स का भी सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हम साथ साथ प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि हम आज बात करना चाह रहे हैं, इराक में अमरीकी मुदाखलत के 4 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं। हम इस सिलसिले में बात करेंगे नजमुद्दीन शेख साहब के साथ और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। हमारे साथ नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब, इस स्टार कसाना जी न्यूज प्लस में आपको खुश आमदेद कहता है। मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, 4 साल मुकम्मल हुआ चाहते हैं बल्कि हो चुके हुए हैं, यहाँ पे कोई आपको टर्निंग पॉइंट, कोई ऐसी चीज अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के यहाँ नजर आती है कि जहां से हम कह सकें कि ठीक है अब 4 साल मुकम्मल हो गए, अब वापसी का सफर इख्तियार करना चाहते हैं वो लोग, तो इस तरह की कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? अभी देखिए सिचुएशन जो है इराक में वो बहुत अगर इसको आप पेसिमिस्टिकली देखें तो आप हक बजानेब होंगे, लेकिन इस वक्त अभी जब तक कि ये सर्ज से ये जो नई फौजें भेजी हैं वो किस हद तक बगदाद में कामयाबी हासिल करते हैं,
इसके लिए कुछ अरसा और देखना पड़ेगा। अभी तक जो जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ये महसूस नहीं होता कि कामयाबी, एक बहुत अहम कामयाबी हासिल की गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है। मसला बड़ा यही होगा कि जो चीजें इराकी सियासतदानों को करनी है वो किस हद तक वो करते हैं, और किस हद तक ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके नतीजे में तावन और हासिल होता है जो पड़ोसी ममालिक हैं, खुसूसन इराक और ईरान और शाम। अभी अभी उस पर भी कोई ठोस खबर नहीं है कि किस हद तक वो इसमें तावन करने के लिए तैयार है, और किस हद तक उनके और अमरीकी और इराकी ऑब्जेक्टिव जो है वो किस हद तक मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम अब जरा थोड़ा सा जायजा ले लें शेख साहब के, पिछले जो 4 साल गुजरे हैं, क्या खोया क्या पाया, इसका अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो आप किस तरह करेंगे? देखिए, अगर वो एनालिसिस करें तो एक अमरीकी कमेंटेटर ने लिखा कि आप इसको इस मद्देनजर से देखें कि हम जिस कामयाबियों की अमेरिका बात करता है या प्रेसिडेंट बुश बात करता है, उसको आप इसके अगेंस्ट वजन दें कि अगर आज उनके पास वही सिचुएशन होती जो कि 2003 में है, और उनको पता होता कि इस किस्म की सिचुएशन होने वाली है, तो क्या वो इन्वेजन करते या न करते? और उसका कंक्लूजन यही था कि वो कभी भी ना करते, और उसकी वजह से कि जो कामयाबी हुई है वो इतनी कम है, जितना भी वो कहें कि सदाम को हटाना, इस आमिर को हटाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और बुश खुद भी अब मैं समझता हूँ कंसीड करेगा कि जो चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है, और सिचुएशन इराक में इससे बदतर हो गई। लेकिन शेख साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि जो चीजें वो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, तो फिर इसका मतलब तो फिर वाजह तौर पर ये होना चाहिए कि फिर रोल बैक किया जाए उस पॉलिसी को जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, जिसमें से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो रोल बैक का तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। वो तो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने फड्डा लिया हुआ है, और वो नैन्सी पेलोसी वगैरह की तमाम स्टेटमेंट्स के बावजूद वो कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मैंने शुरू की है, बल्कि वो तो कहते हैं कि मुझे उसको कामयाब होने के लिए मजीद आप वक्त दें और मेरे साथ एक हौसले के साथ और पेशेंस के साथ चलें, तो रोल बैक का तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा इसमें। नहीं, वो तो उन्होंने 3.2 अरब डॉलर और मांगे हैं, और कहा है कि मैं एडिशनल फौज भेजूंगा, अलावा उन 19,000 के जो पहले भेजी हैं 8,000 और भेजेंगे। लेकिन अब उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नहीं रहे जो कि उन्होंने पहले कहे थे। अब ये वाजे हो चुका है कि अब डैमेज कंट्रोल की बात है। अब ये बात है कि अगर हम वहां से निकले तो वहां पे एक बुरान पैदा होगा, और जो बुरान हो सकता है कि सारे खत्ते में फैल जाए, और इस इम्कान से बचने की कोशिश की जा रही है। बहरान तो शेख साहब, बहरान जो है, बहरान तो जब भी वो निकलेंगे बहरान तो पैदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो निकलेंगे तो वो सारी चीजें जो है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई होंगी, और फिर उसको फ्रॉम द डे वन शुरू करना पड़ेगा और सारा सिलसिला बैक टू स्क्वायर वन चला जाएगा। उनकी उम्मीद ये है कि हम उस वक्त तक ठहरे जिस वक्त तक एक ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर सके जहां पे बहरान माइनर हो, मेजर ना हो। अब इसमें कामयाबी के क्या इम्कान है वो मैं, जैसे मैंने कहा, अभी कबल इस वक्त होगा। अगर बगदाद की सिचुएशन पे ये जो सर्ज हुआ है उससे किसी किस्म का कंट्रोल होता है, अगर इराकी सियासतदान अपने आइन को बदलते हैं और सुनियों के साथ शियों का किसी किस्म का समझौता होता है, जिसके इम्कान मुझे कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी ये नहीं है कि इसका इम्कान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जो ये हुआ जी, तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। अच्छा, डैमेज कंट्रोल की तो साथ साथ बात होती रहेगी। मुझे ये एक चीज बताइएगा कि हम जब इस तरह का पूरा एक सिनेरियो देखते हैं, तो प्रेसिडेंट बुश, आपको मालूम है वो जो बॉब वुडवर्ड ने एक बुक लिखी थी स्टेट ऑफ डिनायल, तो आप समझते हैं कि वाकईतन सदर बुश जो है वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में है? वो देखिए, अब स्टेट ऑफ डिनायल से निकल के वो कुछ कुछ हकीकत को पहचानने लगे हैं, लेकिन उस हकीकत को पहचानने के बाद भी जो उनको चीजें नजर आती हैं, वो जो उनको खतरात नजर आते, वो खतरात हैं, और वो खतरात जो हैं वो
सारे खित्ते के लिए हैं, और वो खित्ता जो है वो अमेरिका के लिए खास अहमियत रखता है। वो एनर्जी रिसोर्स का एक बड़ा जजीरा है जिसके बगैर मगरबी ममालिक की इकोनॉमीज नहीं चल सकती। तो उस इलाके में वो बहरान नहीं चाहते, और कोशिश अब यही होगी कि ये बहरान अवॉइड किया जाए। लेकिन इसकी भी इम्कान बहुत है कि दो महीने और कोशिश करने के बाद, कांग्रेस ने कल तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुई लेकिन इसके बाद शायद हो जाए कि आप विड्रॉल करें। लेकिन साथ साथ विड्रॉल के साथ साथ शेख साहब, एक जो वहां पे डोमेस्टिक पॉलिसी है वो भी हम देखते हैं कि अमेरिका में खासतौर पर यह कहा जाता है कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, और लोकल का जब वक्त आता है तो वहां पे ऑब्वियसली हम देखते हैं कि सदर बुश साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लोएस्ट लेवल पे चली गई हुई है। लोकल पॉलिटिक्स का तो उनको शायद ख्याल नहीं है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं उनका, आपको मालूम है सदारती इलेक्शन भी करीब है, तो ये कैसा एक पॉलिसी, उसमें आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है लोकल पॉलिटिक्स उसका भी कोई रोल होना चाहिए? हाँ, लोकल पॉलिटिक्स का जरूर रोल है। आपने देखा कि उन्होंने रेजोल्यूशन जिसमें विड्रॉल के डेट्स सजेस्ट किए गए थे और टाइम टेबल दिया गया था इराकी हुकूमत को आप फला फला चीजें फला फला तारीखों तक करे, उसको शिकस्त हुई सेनेट में, और जो पास किया गया यूनानिमसली वर्चुअली पास किया गया वो ये कि हम हमारी जो ट्रूप्स हैं इराक में उनके लिए हम पूरी हिमायत करते। तो देखिए, लोकल पॉलिटिक्स के भी बहुत रंग होते। कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कहेगा कि हमारी ट्रूप्स जो है उनके लिए हिमायत किसी तरह कम हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जो विड्रॉल वाला क्लॉज है उस पर अभी भी शकूक है कि क्या हम अगर निकलेंगे तो किस किस्म का बहरान वहां पैदा होगा। और हालांकि ज्यादातर तो ये वोट बिल्कुल पार्टी लाइन में था, रिपब्लिकन ने एक तरफ वोट किया और डेमोक्रेट्स ने दूसरी तरफ वोट किया, लेकिन सिर्फ लिबोमैन और एक और सेनेटर था जिन्होंने डेमोक्रेट्स में से रिपब्लिकन को ज्वाइन किया था, लेकिन रेजोल्यूशन की शिकस्त हो गई थी। तो इसको मद्देनजर रखना जरूरी है कि अभी भी अमेरिका में पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि टोटली पब्लिक ओपिनियन इसके लिए है कि इमीडिएट विड्रॉल हो जाए। और आखिर में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए शेख साहब के क्या आपको नजर आता है कि जो इराकी अवाम है उनकी एक जो लंबी तवील एक रात है अंधेरे की वो छटती हुई नजर आती है आपको? बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके इम्कान कम है, लेकिन अभी तक ये कहना कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी ये कबल वक्त होगा। मुझे लगता है कि महीने डेढ़ में पूरी तरह से ये इसका पूरा जवाब उस वक्त दिया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ बात कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। नजमुद्दीन शेख साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इराक में अमरीकी मुदाखलत के 4 साल मुकम्मल होने पर वो अपना एक तजिया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी उन्हें वो रात छटती हुई नजर नहीं आ रही जो कि 4 साल पुरानी हो चुकी है, जिसने लाखों लोगों को डिस्टर्ब किया है, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो उसमें शहीद हो चुके हुए हैं और बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। ये अल्लाह करे कि सिलसिला रुके और जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सैनिटी प्रिवेल करे जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका में उनके यहाँ भी और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके यहाँ भी। अब बात करेंगे एक और टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले साथ साथ मैं एक जो सिलसिला ईमेल्स का भी है, मुझे बहुत सारी ईमेल्स, मैंने कल भी कुछ लाहौर से भी सुनाई थी आपको नाज़रीन, और जो क्रिकेट का सिलसिला है इस हवाले से हमें बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं और लोग बहुत ही भरे हुए हैं दुख से और गुस्से से, और उनकी कई ईमेल्स तो पढ़ी भी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ईमेल्स आपके सामने मैं पेश करूं और बताऊं आपको कि क्या सूरत हाल चल रही है। यहाँ पे एक रिजवान इलाही साहब हैं कैलिफोर्निया से, उन्होंने लिखा है कि माय पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ समवन पुट्स यू डाउन और हर्ट्स योर फीलिंग्स, द बेस्ट वे टू रिवेंज दिस इज जस्ट बी सक्सेसफुल, बिकॉज पीपल हु आर पुटिंग यू डाउन दे डू नॉट वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल, योर सक्सेस इज बेस्ट पनिशमेंट एंड रिवेंज फॉर योर एनिमी। Same thing for Pakistan, Pakistan should ignore all enemy countries who are trying to hurt Pakistan, just work hard and focus on making Pakistan strong. बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके से लेट डाउन होने ना दें और अपनी जान भी अगर कुर्बान करनी पड़े तो उसकी इज्जत के लिए हम कुर्बान कर दें। खालिद फारूकी साहब ने भी यूएसए से लिखा है, यह नहीं लिखा कि किस शहर से हैं,
Dear Mr. Kasana, I just want to let you know that you should never invite Sarfaz Nawaz sahab. ये इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है. इन्होंने कहा जी कि अपने प्रोग्राम में उन्हें मत इनवाइट करें. ही इज़ ऑलवेज ब्लेमिंग इंज़माम एंड बॉब वुलमर. देखें, उनकी अपनी एक ओपिनियन है और उनकी अपनी ओपिनियन जो होती है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है. जो भी उनकी फैक्ट्स वो नज़र आते हैं, उनकी ओपिनियन से आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप रिज़ल्ट भी देख लें कि जो वो कह रहे थे तकरीबन वही कुछ हुआ. और बॉब वुलमर ने तो मेरा ख्याल है कि अपनी जान कुर्बान करके इस पूरे क्राइसिस को डाइवर्ट कर दिया है और गुस्से की जो फिजा थी वो गम में बदल गई है. दिस इज जस्ट क्रिकेट, फॉरगेट अबाउट इट. इट्स अ स्पोर्ट, इट इज अ स्पोर्ट एंड वी हैव टू एक्ट लाइक अ स्पोर्ट्समैन. प्लीज रिप्लाई बैक टू माय ईमेल एज सून एज पॉसिबल. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. खालिद फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, फॉर योर ईमेल एक्चुअली. और इन द मीन टाइम हमारे रब्ता हुआ है तनवीर अहमद खान साहब के साथ और हम बात करेंगे अमरीका का जो नई फलस्तीनी हुकूमत है उस हवाले से. उन्होंने पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है. तनवीर अहमद खान साहब से बात करेंगे. तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी. तनवीर साहब, आपकी तबीयत ठीक है जी? बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह. अच्छा तनवीर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो एक नई हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो अमरीका ने एक ऐलान किया है कि वो फलस्तीन की जो नई हुकूमत बनी है, यूनिटी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदियां बरकरार रखेगा. ये क्या पॉलिसी है? जब वो नहीं बना रहे थे उस वक्त भी उनसे नाराज थे, अब अगर उन्होंने कुछ किया है और एक अच्छी यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, पॉलिसी तो बिल्कुल वाजे है. ये इतराज है कि फलस्तीन के लोगों के साथ एक बामकसद और नतीजा खेज जो बातचीत है उसको, उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं. पहले ये कहा गया कि इसराइल ने कहा कि आप किससे बात करें, कोई उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई नुमाइंदा जमात नहीं है. अमेरिका की जानब से बार बार कहा गया कि फलस्तीनियों में डेमोक्रेसी नहीं है, जब तक जमहूरियत नहीं आएगी तो कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है. जनवरी 2006 में, 2006 में बहुत फ्री इलेक्शन हुए, सब मगरबी मुबसरीन ने उनको देखा, सैकड़ों मुबसरीन ने, और ये कहा कि ये बिल्कुल आजाद इलेक्शन हुए हैं. उसके नतीजे में हमास को बहुत बदतरी हासिल हुई. उसके अगले ही रोज से ये कोशिश शुरू हो गई, पहले तो ये कि हमास की हुकूमत ना बने, और जब वो हुकूमत बन गई फिर उसको गिराने की. और उसमें बहुत शिद्दत आ गई, जबकि एक मुकम्मल बायकॉट कर दिया गया. इसराइल ने तो हमले किए बार बार, लेकिन बाकी मगरबी दुनिया ने इक्तसादी बायकॉट किया, फंड उनके रोक लिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन रोक ली, और उससे बड़ी अबतरी पैदा हुई फलस्तीनी सोसाइटी में. इक्तसादी तौर पे बहुत मुश्किलात पेश आई और उनका फायदा उठा के फिर ये कोशिश की गई कि जो शिकस्त खुर्दा ग्रोथ था अलफता उनके दरमियान और जो फातेह पार्टी थी हमास के दरमियान, उनके दरमियान जंग करवाई जाए और तकरीबन एक सिविल वॉर की सी कैफियत पैदा हो गई. इस पे एक बहुत तारीखी मुदाखलत की सऊदी फरमान रवारे, उन्होंने फलस्तीन के तमाम रहनुमाओं को, महमूद अब्बास साहब को जो कि सदर है, खालिद मशाल जो कि दमस्कस में दमिश्क में रहते हैं, इन सबको बुलाया और एक बहुत तारीखी दस्तावेज जिसे मक्का अकाउंट कहा जाता है उस पर दस्तखत हुए. उसमें कुछ पेचीदगियां आई, लेकिन हमास ने एक बहुत बड़ा कंसेशन किया. वो दस्तबरदार हो गए इस हक से कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत के बावजूद वो हुकूमत बनाए. उन्होंने कहा कि चलिए वजारत उज़्वा हमारे पास रहेगी, बाकी जो कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल बराबर हम तश्कील देंगे. और उसमें भी ये भी उन्होंने तस्लीम किया जिसपे कि अमर हो गया अब कि जो सेंसिटिव जो पोर्टफोलियोज हैं खारजा के, इसके इंटीरियर के, इन पे बिल्कुल उन्होंने नॉन पार्टीजन टेक्नोक्रेट्स को मुतय्यन किया है जी. अब इसके पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि कोई बायकॉट उसको कायम रखा जाए या ये कि फलस्तीन के साथ बातचीत न की जाए. लेकिन चूंकि इसराइल तैयार नहीं है, क्योंकि अब तो मशरिक वुस्ता में जो बड़े मसाइल है वो तो यही है. एक तो फलस्तीन का वेस्ट बैंक का मसला है कि 1967 की जो बॉर्डर है उनपे पैलेस्टाइन की स्टेट क्रिएट हो, और एक हद तक गुलाम का मसला है सीरिया के साथ. तो ये हकीकतन तो वो इससे फरार करना चाहते हैं. तो अब फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये हुकूमत में हम उन वजरा से बात करेंगे जिनका ताल्लुक अलफता से है, उन वजरा से बात नहीं करेंगे जिनका ताल्लुक हमास से है. ये तो कभी देखने में नहीं आया. यानी आप अपने हालात में देखिए कि कोई हुकूमत कह दे कि वो
हाल है। लेकिन ये तनवीर साहब, ये बाय डिजाइन हो रहा है आप इस, क्योंकि लोगों का, बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि इट इज ऑल बाय डिजाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल, डिजाइन वही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये जो मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस जो बंद हो गया था, ये जब से सदर बुश आए हैं, ये सदर क्लिंटन ने अपने आखिरी अयाम में दिसंबर 2000 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, कैंप डेविड कॉन्फ्रेंस, जो कि कामयाब नहीं हुई। उसके बाद सदर बुश आए तो उन्होंने इसको बैक बर्नर पर डाल दिया, पसे पुश डाल दिया, और अपने यानी 6 साल अब तक जो दौर है उसमें कोई कोशिश नहीं की कि ये मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस जो है वो शुरू हो। ये सिर्फ ये जो एक हिजबुल्ला ने एक कामयाब मुज़ाहमत की लेबनन में, उसके बाद हमने देखा है कि थोड़ी सी जुम्बश हुई है। अब कम से कम एक रस्मन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीज़ा राइस है, उन्होंने आना शुरू किया है और ये मार्च के एंड में फिर आएंगी। लेकिन ये है कि फिलिस्तीनियों पे दबाव अब भी यही है। लेकिन ये जो ये दौरे होते हैं तनवीर साहब, आप भी खासा चूंकि ये दौरे करते रहे हैं, तो क्या ये जिस तरह कॉन्डोलीज़ा राइस साहिबा जिस तरह जाती हैं मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक में, फलस्तीन में भी चली जाती हैं, इसराइल में भी लाजमी जाना होता है उनका, लेकिन ये जो दौरे होते हैं सिर्फ आप ये समझते हैं कि दिखावे के लिए होते हैं, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता? जी, इसमें सब्सटेंस इतना है कि अमेरिका की जो दरपर्दा पॉलिसी है वो उनका मुतालबा अरबों से, अरब रूलर्स से ये रहा है कि ये हिजबुल्ला और हमास को डिसबैंड किया जाए। अब ये तो किसी के अख्तियार में नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जो खास हालात की रद्द अमल की पैदावार है। हमास इसलिए बनी कि पीएलओ नाकाम हो गई थी अपना जो कैंप डेविड अकॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उसके रद्द अमल के तौर पे हमास ने एक ये कहा कि सिर्फ फिलिस्तीनी नेशनलिज्म काफी नहीं है, अगर मरना है तो उसके लिए इस्लाम का जज्बा भी चाहिए, तो वो हमास बना। इसी तरह जो हिजबुल्ला का मामला है, 1982 में इसराइल ने लेबनान पे कब्जा किया, बैरूत पे कब्जा किया, तो उसका रद्द अमल था हिजबुल्ला। तो लेकिन अमेरिका की जानब से ये मुस्तकिल ये एक मुतालबा है कि जिनको वो मिलिटेंट कह देते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं खुद यकतरफा तौर पर, कि इनको डिसबैंड किया जाए। और ये सऊदी जो रॉयल फैमिली है, बाकी जो कि जॉर्डन की जो बादशाह है किंग अब्दुल्ला, वो मेरा ख्याल है उनकी सबकी ये कोशिश है कि वो अमेरिका को बावल करवाएं कि इनको डिसबैंड करना किसी के अख्तियार में नहीं है। अभी आपने देखा कि जॉर्डन जो बहुत प्रो वेस्ट है, उनके बादशाह ने ये कांग्रेस को एड्रेस किया और बहुत स्पिरिटेड एड्रेस था, बहुत उसमें जज्बा था। उन्होंने इराक का तो बहुत कम जिक्र किया, वहां पूरी तकरीर जो थी उन्होंने इसमें सर्च की कि असल मसला जो है वो फलस्तीन का है, उसको आपने पसे पुश डाला हुआ है, उसको हल कीजिए, फिर आपको मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा और आपके जो इक्तसादी जो वहाँ इंटरेस्ट है वो महफूज होंगे। मैं जो बात अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी हो रही थी, मैं पूछना चाह रहा हूँ तनवीर साहब, आप भी जरा मुझे बताइएगा कि इसमें ये जो सदर बुश की एक कैफियत है, जरा जहनी कैफियत उनकी, मुझे वो जरा थोड़ा सा रीड आप कर सकें तो मुझे बताइएगा कि जो एक बॉब वुडवर्ड ने भी, मैंने पहले भी कहा कि एक बुक लिखी थी स्टेट ऑफ डिनायल, के प्रेसिडेंट बुश जो है वो स्टेट ऑफ डिनायल में है, क्या उन्हें इराक में ये चीजें नजर नहीं आ रही, क्या उन्हें फलस्तीन में ये चीजें नजर नहीं आ रही, क्या इस चीज को समझने के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट होना जरूरी होता है कि वो इस तरह की चीजों को समझ सकें, क्या है ये उनकी जो ज़हनी कैफियत है, वो जरा आप मुझे थोड़ा सा बता सकेंगे आप? मेरे ख्याल दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो उनकी अपने ज़हन की साख्त है, वो एक न्यू बॉर्न क्रिश्चियन है जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो इवेंजलिस्ट मूवमेंट है वो बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो ज़ायनिस्ट है, एंटी मुस्लिम है, एंटी अरब है, एक तो उससे मुतासर है, और हम लाख कहें लेकिन उनके सदर बुश के जहन में कुछ प्रेजुडिसेस हैं वो कायम रहते हैं। दूसरे ये है कि एक सुपर पावर के जो वो सदर हैं उनके लिए अपनी गलती का एतराफ आसान नहीं है। अब आपने देखा कि उनका अपना एक कमीशन बनाया हुआ जो बेकर हैमिल्टन कमीशन था, उनकी रिपोर्ट आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, उसमें बड़ी अच्छा तजिया था, अच्छे मशवरे थे, लेकिन उन्हें तामल हुआ और बजाय उसके कि जैसे उन्होंने कहा था कि वहां से निकले, विड्रॉ करें और उसकी एक पॉलिसी मुरतब करें, उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स कोई 30,000 के करीब मजीद फौज जो है वहां वो भेज रहे हैं। लेकिन
अमेरिका की तारीख में एक बहुत बड़े लूजर की हैसियत से गर्दाने जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ये रास्ते में रुकावट हुई हुई है, और ये बाकी जो उनका वक्त था तकरीबन डेढ़ बरस का, वो मैं समझता हूँ इसी जहरी कश्मकश में गुजरेगा। ना तो वो मुकम्मल तौर पर अपनी पॉलिसीज की जो नाकामी है उसका एतराफ करेंगे, और ना ही वो दस्त बरदार होंगे। क्या लेगेसी क्या होगी सदर बुश की, जब हम उनको याद करेंगे दो तीन साल के बाद, तो क्या लेगेसी होगी उनकी? देखिए लेगेसी उनकी ये होगी कि वो डिमोलिश करने में बहुत जबरदस्त थे, उन्होंने तालिबान को चंद दिनों में बिल्कुल शिकस्त दी, लेकिन अफगानिस्तान में जब एक नेमुल बदल, उसके बदले में कोई एक सही मुस्तहकम निजाम की बात आई, तो उसमें वो कामयाब नहीं हुए। इराक की लेगेसी तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कड़वी, बहुत ही एक जहरीली कड़वी होगी, क्योंकि तमाम स्टडीज जो है अमेरिकन की अपनी स्टडीज है कि इराक जो कि एक बिल्कुल नॉन इस्लामिक बाथिस्ट सोशलिस्ट हकूमत के तहत था, जाबराना थी जैसी थी, लेकिन उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। सही। अब वो कहते हैं कि वो एक एपी सेंटर बन गया है टेररिज्म का, और उसकी वजह से दुनिया भर में एक टेररिज्म को फरोग मिला है। तो ये एक लेगेसी होगी कि एक बहुत खलफशा। इससे तो अंदाजा ये हो रहा है कि he will be remembered as a failed president. He would be remembered ऐसे प्रेसिडेंट जो डिमोलिश कर सकते थे, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट करना उनकी जहन के उसकी इस्तेदात से बाहर था। अच्छा, इनकी इस्तेदात में एक और चीज भी शायद नहीं है जो नजर नहीं आती, वो इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए आज तक, और जो भी उनसे कहा जाता है, इसराइल का भी एक रोल, आप पूरे अमेरिकन मीडिया को भी जानते हैं, अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं, तो जो ये डायमेंशन है इसराइली और ज्यूश लॉबी की, जो बाकी वहां पे सिलसिला है, उसको भी वो सही तरह आगे से काउंटर नहीं कर सके, उसके आगे उन्होंने गिव अप किया। जी बिल्कुल, हार मानी हुई है। कुछ महीने पहले ये हार्वर्ड के दो प्रोफेसर ने एक बड़ा लंबा मजमून लिखा कि इसराइली लॉबी कैसे इंटेलेक्चुअल लाइफ को कंट्रोल करती है, और किस तरह ये नामुमकिन हो गया है कि इसराइल की पॉलिसीज पे कोई तनकीद की जाए या कोई मशवरा दिया जाए। मैं कल ही पढ़ रहा था कि ये अमेरिका की एक मैगजीन है, हमें सबको देखना चाहिए, हार्पर्स मैगजीन, उसको जो इस महीने का जो शुमारा है उसमें एक और तवील मजमून छपा है, और आप उसमें देखते हैं कि एक साहब ने जिन्होंने कोशिश की हिजबुल्ला के बारे में एक मुनसिफाना मजमून लिखने की, उन्हें वो मजमून छिपवाने में कितनी दुश्वारियां पेश आई और किस तरह वो नाकाम हुए, उन्हें अपना मजमून वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो ज्यूइश एडिटर्स थे वो एक लफ्ज था वो यानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, जिससे कि जो वाकयात है उनकी तफ़सीर हो जाए या सही मानो उनकी जो एक तरह से शनाख्त हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हाल है जो आप बता रहे थे, और अमेरिका जैसे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ तक पहुंची हुई है। तनवीर अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह ताबता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। सबक सेक्रेटरी खारजा तनवीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो बता रहे थे कि इसमें जो फलस्तीन और फिर इराक और सारी ये जो सूरत हाल है, इसमें सदर बुश का क्या रोल है, सदर बुश की लेगेसी क्या रहेगी, ये सारी हम बातें उनसे पूछ रहे थे, और ख़ासतौर पर जो आखिर में उन्होंने बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से भी वहाँ पर मुख्तलिफ मामला जो हैं वो सिर्फ नज़र आते हैं कुछ, और जो असल सिचुएशन है वो कुछ और होती है, और ख़ासतौर पर जो वहाँ पर इसराइली लॉबी है, मुझे खुद मालूम है कि वहाँ पे वो किस तरीके से उनके टेंटिकल्स हैं वो फैले हुए हैं, और 99% जो मीडिया है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के शिकंजे में वो रहते हैं। एक बात भी अगर आप वहाँ पे कोई कर दें उनके खिलाफ तो फिर वो आपकी एक मिसाल बना देते हैं। मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेसमैन थे, उन कांग्रेसमैन ने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दी थी तो उन्हें अपनी कांग्रेसमैनशिप से हाथ धोने पड़े थे। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर कि आप बात नहीं कर सकते जब तक कि वो आपके उनके इंटरेस्ट में ना हो, अगर आप उनके इंटरेस्ट में बात करेंगे तो आप जो मर्जी आप करना चाहें, ये हालात हैं। तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, हम बात करते रहेंगे इस तरह के मौजूदात के ऊपर, आपकी कॉल्स भी आज हम लेने की कोशिश करेंगे कि आपसे पूछें कि आप इन मामलों के ऊपर क्या सोचते हैं। मैं अभी ईमेल्स आपको सुना रहा था, इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो भी काबिले जिक्र हैं, क्रिकेट ही की आज तो ईमेल जो हैं वो ज़्यादातर हैं, लेकिन जो मैंने पहले आपको ईमेल सुनाई उसमें मैंने जिक्र किया दो ईमेल्स का, एक खालिद फारूकी साहब का यूएसए से, और एक रिजवान इलाही साहब का कैलिफोर्निया से यूएसए से, और एक और नासिर खान साहब हैं, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कहाँ से उन्होंने ईमेल लिखी है, बी कॉम पार्ट वन के स्टूडेंट हैं ये, पाकिस्तान से ही लगते हैं,
और उन्होंने शुएब मलिक की तारीफ की है और वो कह रहे हैं कि टीम में शुएब मलिक साहब जो हैं उनको सही तरह सही ऑर्डर पर रखा जाए, लो ऑर्डर पर भेजा जाता है जिससे उनका जो है कंट्रीब्यूशन वो सही नहीं रहता। सलमान बट और शुएब मलिक उन्होंने कहा कि ये कंसिस्टेंटली होने चाहिए। इमरान अजीज साहब को उन्होंने कहा कि वो मुतबादल नहीं हो सकते सलमान बट का, सलमान बट की भी तारीफ की है। मजीद इस पर बात करेंगे और इन द मीन टाइम हम बारिशों का जो टॉपिक मैंने बताया था उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आरिफ महमूद साहब हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब ये सिलसिला बारिश जो है ये कुछ थमता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी ये जो गुज़श्ता दो रोज से जो है बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ था ये अभी तक जो है वो सिंध के बलाई इलाकों में तकरीबन जो है वो पूरे पंजाब में NWFP में और कश्मीर के अंदर जो है ये बारिश का सिलसिला अभी तक जो है वो जारी है। तो ये सिलसिला जो है ये कब तक चलेगा? जी ये सिलसिला जो है कि नॉर्दर्न पंजाब में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद और पिशावर और मुजफ्फराबाद बालाकोट वगैरह में जो है ये सिलसिला जो है वो कल सुबह तक जो है वो जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश होती रहेगी। अभी तक जो है वो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कामरा में 115 मिलीमीटर, चित्राल में 105 मिलीमीटर, दीर में 103 मिलीमीटर, रावलाकोट में 102 मिलीमीटर, चकलाला में 77 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 72 मिलीमीटर, मुजफ्फराबाद में 76 मिलीमीटर, मर्री में 68 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। अच्छा ये जो बारिशें हैं आरिफ साहब मुझे बताइएगा कि ये रूटीन की बारिशें हैं या ये अनयूजुअल है इस मौके पे, खासतौर पे मार्च का महीना है और इसमें इस तरह की बारिशें क्या यूजुअल तरीके से आ रही हैं? जी ये मार्च की जो बारिशें होती हैं मतलब कि वो अक्सर होती रहती हैं। इस दफा जो है वो कुछ ये कहा जा सकता है कि पहले की निस्बत जो है वो मार्च में कुछ बारिशें जो है वो निस्बतन जो है वो ज्यादा हो रही हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यूजुअल है, कोई इसमें गैर मामूली बात नहीं है? जी नहीं बिल्कुल जी। अच्छा और इसका हमारे कुछ फसलों वगैरह पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या खुदा ना खास्ता? फसलों का एक जैसे जैसे वक्त गुजरता ये अब जो बारिशें हुई हैं इसका तो किसी हद तक जो है वो खासतौर पे जो बारानी इलाके हैं उसमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मगर इस स्पेल के बाद अगर कोई और स्पेल आया तो वो डेफिनेटली जो है वो हमारे फसलों के लिए वो बेहतर नहीं होगा। जाहिर है कि गंदम जो है वो उसने अब पकना है उसके लिए उसका वरना दाना जो है वो कमजोर भी पड़ सकता है इन बारिशों की वजह से। बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो सिलसिला है बारिशों का इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पूरा रीजन इन्वॉल्व है या सिर्फ हम पाकिस्तान में ही कुछ ये रीजन में देख रहे हैं? पूरा साउथ पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, इंडिया के भी कुछ इलाके हैं। तो ये सिर्फ जो है वो ये बारिशों का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के कुछ और ममालिक में और खासतौर पे हमारे रीजन में अगर हम अफगानिस्तान को शामिल कर लें, ईरान को शामिल करें और इसी तरह जो है वो कुछ इलाके हिंदुस्तान के हैं तो वहां भी ये बारिशों का जो है वो सिलसिला जो है वो पिछले जो 2-3 महीने से जो है वो अच्छी बारिशें हुई है। और इसका जरा थोड़ा सा मुझे फोरकास्ट बताइएगा कि 23 मार्च की परेड आप करवा देंगे सही तरीके से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मतलब कि जो हमारी फोरकास्ट यही है कि जी 23 मार्च को जो है मतलब कि मौसम जो है वो इस्लामाबाद में मतलब कि वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होगा, मतलब कि वो धूप निकली होगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आए हुए हैं, मैं जानता हूँ मुख्तलिफ लोगों को। इंशाल्लाह जो है वो 23 मार्च को जो है मौसम जो है वो ठीक रहेगा जी। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बायस रहमत बनाए। थैंक यू वेरी मच। आरिफ महमूद साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बारिशों के हवाले से बात हो रही थी, कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है। कॉलर्स आप हमें कॉल करें और बताएं कि आप तमाम मामलों के हवाले से आप क्या समझते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहां से जनाब? जी मैं फैसल बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। फैसल साहब इस्लामाबाद से फरमाइएगा। सर मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जरूर करें सर। एक तो यह है कि मैं काफी अर्से से क्रिकेट देख रहा हूँ और समझता भी हूँ। आयरलैंड के खिलाफ हमारी टीम जीत सकती थी इजिली जी, लेकिन किसी भी प्लेयर ने खासकर नंबर 1, 2, 3, 4 ने उनकी लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया। गोरों के खिलाफ आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें, जब भी आप एक ही जगह से बीट होते रहेंगे वो आपको इंच पर इंच आगे पीछे बॉलिंग करते रहेंगे। नंबर दो बात, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ रानान वीर को मैं देख रहा हूँ, बाकी लड़कों को बैक ऑफ द लेंथ गेंद पे बहुत करते हैं, जबकि वसीम और वकार आउट सिंगर आगे करते थे। इसके अलावा बैक ऑफ द हेलो हाँ बताएं जनाब आपकी बात। बैक ऑफ द लेंथ बिल्कुल हमारे प्लेयर नहीं खेल सकते, जितनी भी आउट स्विंग हो, ग्रासी पिच हो, आगे बॉलें देते जाए, ड्राइव मारेंगे, चार मारेंगे, छह पीछे गेंद जब भी होगी चेस्ट हाइट से निकलेगी, बिल्कुल ही ये खेल सकते। इसके अलावा सर इन इंजमाम को मैं काफी अरसे रिवाज कर रहा हूँ, आई थिंक उसको बिल्कुल कैप्टनसी का सेंस नहीं है। नहीं तो वो तो अब उन्होंने रिजाइन दे दिया ना, अब क्या चाहते हैं आप?
हाँ बस मैं उसके बारे में तो यही है, वो माजी की बात है लेकिन यही कहना चाह रहा था। आप उनके लिए दुआ करें, जो 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 लोग चले जाते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे जज्बात का इजहार करते हैं और उनको दुआ देते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया और यही कल्चर जो है ये हमें डेवलप करना है खासतौर पर। एक तो ये कल्चर मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट देना चाहिए इंज़ामुल हक को कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया। ये हमारे यहाँ कल्चर वैसे नहीं है। एक और क्रेडिट मैं नसीम अशरफ साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की और उन्होंने सोचा कि मैं चूंकि चेयरमैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो उन्होंने उससे इस्तीफा दिया है। ये भी एक अच्छा कल्चर मैं समझता हूँ कि उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये बाकी जगहों पर भी होना चाहिए, जहाँ पे कोई ऐसा मसला हो तो वहाँ पे जो हाईएस्ट बंदा होता है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये नसीम अशरफ साहब को भी हम क्रेडिट देते हैं और इंज़ामुल हक साहब को, और बेचारे गुलमर साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही उसको सीरियस ले लिया और अपनी जान गंवा बैठे। एनीवे इस पर बात चलती रहेगी, कॉलर का सिलसिला भी जारी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इकरार साहब ये बात करनी थी, आप करा रहे हैं मुल्तान से? कौन बोल रहे हैं? इकबाल बोल रहा है जी, मुल्तान। इकबाल साहब मुल्तान से, फरमाए जी। जी ये बात करनी थी कि ये जो घी पर वजीर आजम ने दी है सब्सिडी, जी जी फरमाए, तो वो ये अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? तो सब्सिडी तो सबके लिए एक ही जैसी है ना, सब्सिडी वो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पे मिलती है, इधर तो नहीं मिलती है। यूटिलिटी स्टोर्स पे ही तो गरीब लोग ज्यादा जाते हैं मेरे भाई, यूटिलिटी स्टोर्स पे ज्यादा लोग जो हैं वो गरीब जाते हैं, जो अमीर तबका है वो तो वहाँ पे लाइन में लगने को पसंद ही नहीं करता। नहीं आई आपको समझ, थैंक यू वेरी मच। एनीवे जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो जाते हैं और लाइनों में लग जाते हैं, वरना जो कारों में बैठ के और बड़े बड़े ऊंची जगहों में बैठे होते हैं वो इस तरह की लाइनों में लगा नहीं करते। लिहाजा ये हुकूमत का जो स्टेप है ये गरीबों के लिए है, जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है उसके लिए है, और इससे आपको एडवांटेज लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि 10-15-20-20 रुपए का फ़र्क है मुख्तलिफ चीज़ों में, तो आप यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके उन चीज़ों से आप इस्तेफादा कर सकते हैं और इन चीज़ों को ले सकते हैं। ये एक अच्छी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्व इंट्रोड्यूस कराई है। हम कोशिश करेंगे क्रिकेट पे मज़ीद बात हो, लेकिन साथ साथ हम मैं बात कर रहा था ये जो एक सिलसिला है ईमेल्स का, ये नासिर खान साहब की मैंने आपको ईमेल सुनाई, उसमें उन्होंने लिखा है इमरान नज़ीर वगैरह के बारे में और सलमान बट का, उन्होंने कहा है कि सलमान बट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इसके बारे में भी खासे लोग कह रहे हैं कि सलमान बट साहब जो हैं उनको दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, अगर एक आधी उनके अंदर गलती है तो उसको ठीक किया जा सकता है, और वो कोच कोई अगर जब नया कोई आएगा, अब देखते हैं कि वो कौन से कोच होंगे तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। एक और ईमेल है मिर्ज़ा शाहरुख बेग साहब की, इन्होंने खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं उनको तो नहीं सुनाऊँगा आपको, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान को फौरन अपनी टीम को वापस बुला लेना चाहिए, और अल्लाह के लिए उन्होंने कहा है कि इस्लाम का नाम बदनाम ना हो, और इस तरह की उन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सख्त अल्फाज कुछ हद तक इसलिए हक बजानिब हैं कि लोग इस वक्त दुखी हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम कभी भी जीत कभी भी हारे एक्चुअली, तो इसमें यह है कि जब हार जीत होती रहती है तो बर्दाश्त कर लिया करें, लेकिन इस तरह की जो हार हुई है उसमें जाहिर है कि लोग दुखी हैं, मैं खुद दुखी हूँ। मैंने कल भी आपको ईमेल्स सुनाई थी, लोगों ने मुझे भी खासा वैसे अल्लाह के फजल से बातें सुनाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें यह है कि मैं तो कल भी मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान के मुतालिक कभी भी बुरा नहीं सोच सकता हूँ, बुरे से बुरे भी हालात हों तो पाकिस्तान के हवाले से ऑप्टिमिज्म जो है वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुतालिक कोई भी चीज़ जो है वो हम नेगेटिव ना सोचें, पाकिस्तान के मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचें और देखें कि कोई भी चीज़ हो वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम, उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे सामने होना चाहिए, हमें अपनी इंफरादी इंटरेस्ट जो है वो नहीं देखने चाहिए, कौमी इंटरेस्ट देखना चाहिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे इंतखाब आलम साहब से, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा रबता हो और उनसे पूछें कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब का भी इस्तीफ़ा सामने आ चुका हुआ है, इससे हम बात करते हैं इंतखाब आलम साहब से। इंतखाब साहब अस्सलाम वालेकुम जी। इंतखाब साहब कल भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और बात हो रही थी कि चेयरमैन साहब जो हैं वो भी उन्होंने इसको फील किया है और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? दरअसल
मैं कहूंगा कि जब भी कोई इस तरह का डिबेकल हो और जो भी सरबराह होगा किसी भी अदारे का, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और मैं समझता कि इनका अच्छा डिसीजन है और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, और इनका जो टेन्योर रहा है जितना भी वो कंट्रोवर्शियल रहा है। दरअसल अगर आप देख लें ओवल फियास्को में जो हुआ, उसके बाद फिर कैप्टनसी का प्रॉब्लम आया, जो चैंपियंस ट्रॉफी जाने से पहले प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद ये डोपिंग स्कैंडल हो गया, तो और उसके बाद आप जो टीम की परफॉर्मेंस थी, और मैं समझता हूँ अगर सब चीजों को आप एनालाइज करें तो आई थिंक ही इज डन द राइट थिंग टू रिजाइन। तो इसमें अब ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं उन्होंने भी छोड़ दिया, इंजमाम ने कप्तानी छोड़ दी है, कोच साहब वैसे चले गए, अब क्या सूरत हाल होगी? नया कोच आएगा, नया चेयरमैन आएगा, पूरी चीजें फिर एडहॉकिज्म पे चलेंगी जैसे पहले चल रही थी? कोई कोई पॉलिसी इस तरह की जो कि लॉन्गर लास्टिंग हो वो क्यों नहीं हम बना पाते हैं? दरअसल डॉक्टर साहब के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसको बहाल करेंगे, एसोसिएशन को बहाल करेंगे। जब तक कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं लाएंगे, एसोसिएशन को आप तकड़ा नहीं करेंगे, आपका ये मसला रहेगा। अब जो भी नया चेयरमैन आएगा बोर्ड का और सिलेक्शन कमेटी बनेगी, कुछ वहां भी लोगों ने रिजाइन किया है, तो अभी इसको रिवैम्प करना पड़ेगा पूरे को पूरा, और ऐसा आदमी आना चाहिए जिसमें कोई विजन हो, जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझता भी हो, और उसकी अगर टीम अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ कि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा इंतकाल साहब, ये जो चेयरमैन पीसीबी होता है इसके लिए क्रिकेटर होना ज्यादा जरूरी होता है या अच्छा मैनेजर होना ज्यादा जरूरी होता है? आई थिंक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, और इट्स नॉट नेसेसरली कि वो क्रिकेट भी जानता हो, अगर जानता हो तो मैं समझता हूँ प्लस मार्क होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो उसकी टीम में होंगे, अगर वो उनको क्रिकेट की सूझ बूझ होनी चाहिए जो उनको लेके चलें। बहुत से एग्जांपल्स हैं, आज तक तो सिर्फ मेरे ख्याल एक ही प्रेसिडेंट आए हैं, वो अब्दुल हफीज कायदा साहब थे जो कि क्रिकेटर थे, तो उसके बाद एक और भी दौर आया जिसमें के जावेद बरकी साहब, वो भी एडवोकेटिज्म का ही एक रोल अदा किया, उन्होंने भी तीन मेंबर थे उसके, और मैं समझता हूँ कि इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेटर ही हो, लेकिन उसमें अगर इतनी स्किल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसकी टीम ठीक होगी, पॉलिसीज ठीक होंगी, इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगी, तो आपकी ये क्रिकेट सही हो सकती है। चीफ सिलेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? जो चीफ सिलेक्टर साहब जो हैं उनके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी आती है, उनको भी ये तस्लीम करना चाहिए जिस तरह नसीम अशरफ साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, चीफ सिलेक्टर साहब को भी मेरा ख्याल है कि रजामंदी जाहिर कर देनी चाहिए इस हवाले से। दरअसल ये कि हर चीज वो अच्छी लगती है जो कि इन टाइम हो जाए। एक सिलेक्टर ने तो इकबाल कासिम ने तो रिजाइन दे दिया, इनको भी चाहिए था कि रिजाइन दे देते, एक सरबराह रिजाइन दे रहा तो उसकी जो टीम है उनको भी रिजाइन करना चाहिए। हालांकि एक सिलेक्टर की तो इसमें बात नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है चीफ सिलेक्टर साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि सब लोग उनके साथी जो हैं उन्होंने इसको तस्लीम किया है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस हवाले से कुछ स्टेप लें तो अच्छा रहेगा मेरा ख्याल है। नहीं लेना तो चाहिए था लेकिन अब लेट कर दिया, अब लेंगे भी तो पर वो जो चीज होनी चाहिए वो होगी नहीं। अब ये इसका मतलब है कि ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा फिर इस चीज को, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप यू टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। लेकिन ये जो अभी आप फॉरन सिनेरियो देखेंगे कि हर चीज नई आएगी, नए लोग आएंगे, चेयरमैन नया होगा, सिलेक्टर्स नए होंगे, नया कप्तान होगा, नया कोच होगा, तो इससे आप समझते हैं कि अगर अच्छे लोग आ जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस लाया जा सकता है अपनी प्रीवियस जगह पे? देखिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, एक जो है कि आपको यू शुड बी डिटरमिन्ड, यू शुड बी डेडिकेटेड, और ये अब दरअसल ये इस तरह की ये खेल हो गई है, अच्छा फुल टाइम जॉब, जो भी नया चेयरमैन आएगा उसको जरा वक्त देना पड़ेगा, और ये दो हैट्स आप नहीं पहन सकते, यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब तक कि आप एसोसिएशन को बहाल नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि एक आदमी के ऊपर ये सारा प्रेशर नहीं आ जाएगा, उस पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, ये जो भी डिसीजन होगा वो काउंसिल करेगी और एक जनरल बॉडी होगी, एक्चुअल काम तो काउंसिल नहीं करना है, उसके मेंबर्स होंगे जितने एसोसिएशन हो जो कि एफिलिएटेड मेंबर्स हैं बोर्ड के,
तो मैं समझता हूँ जो भी आएगा सबसे जो जरूरी काम है उसको ये आके ये करना पड़ेगा पहले। और इसमें जो जरूरी काम है उसमें एक तो जैसा कहा जा रहा है कि एक थिंक टैंक होना चाहिए जो बोर्ड को एडवाइज कर सके और जो बता सके कि जनाब ये चीजें जो है ये आप करें और इस तरह होंगी तो उसके रिजल्ट्स जो आएंगे, वो जो थिंक टैंक है उस तरह कोई चांस है बनने का? नहीं, होना तो चाहिए, जो थिंक टैंक होंगे वही होंगे जो जो कि क्रिकेट को समझते हैं, जिनकी नॉलेज है, और वही आके फिर आपको जो भी प्रेसिडेंट आता है, जैसे कि मैंने कहा था एयर मार्शल नूर खान साहब के जमाने में, हालांकि वो उनको उनकी क्रिकेट की इतनी सूझबूझ नहीं थी, लेकिन ही वॉज अ वेरी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उनके जमाने में बहुत काम हुए जो कि लोग इतनी उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैं इन्वॉल्व था उनके साथ उस जमाने में, जितना काम हुए कभी नहीं हुआ क्रिकेट में, और एक अब्दुल हफीज कारदार साहब के जमाने में ये काम हुए थे, उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीते उसमें उनका नाम भूल गया, जनरल साहब थे वो भी इंटरफेरेंस नहीं करते थे, लेकिन उनकी टीम बड़ी अच्छी थी इसलिए वो भी सक्सेसफुल थे। जब आदमी खुद एक एक्सपर्ट बन जाओ जिसको क्रिकेट का ना पता हो तो फिर तो इस तरह के प्रॉब्लम मसाइल होते हैं। अच्छा, अब जरा वापस थोड़ा सा मुझे आखिर में बताइएगा कि ये जो वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि इंडिया को एक मैच में मार पड़ी है जबरदस्त किस्म की, दूसरे मैच में उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। नहीं ठीक है, वो मैच उनका हल्का था और ये इनको करना पड़ना था, इनकेस अगर वो मैच हार भी जाते हैं श्रीलंका से, क्योंकि मैं समझता हूँ श्रीलंका के साथ जो मैच है इंडिया का, ये तो डू एंड डाई सिचुएशन बन जाएगी इंडिया के लिए, और फर्ज करेंगे अगर पॉइंट्स भी आपके एक बराबर हो जाते हैं तो फिर रन रेट पे आ जाएगा किसकी है, तो ये एक तरह का मैं तो समझता हूँ कि ये फाइनल ही होगा, इतना इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया के लिए और ये मस्ट विन मैच है उनके लिए। बिल्कुल 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 मस्ट विन मैच है। इंतखाब आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रब्ता रहेगा जी। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इंतखाब आलम साहब साबिक कप्तान और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे। जो सिचुएशन डेवलप हुई है पूरा रिवैम्प किया जाना पड़ेगा अब क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट के पूरा जो एक स्ट्रक्चर है उसको, और मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक इतना बड़ा जैसा मैं लफ्ज़ चुरा रहा हूँ इंतखाब आलम साहब का, डिबैकल हुआ है, उस डिबैकल में हम देख रहे हैं कि जो भी कैजुअल्टीज हैं वो आ रही हैं और उनके नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इसमें ज़रूरी है कि हम इसको नए सिरे से उस्तवार करें और उन बुनियादों पर उस्तवार करें कि जिस तरह के बाकी ममालिक ने किया हुआ, मसलन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड उसकी मिसाल हमारे सामने है, इंग्लैंड के जो सिलसिला है उसमें हम उनको फॉलो कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे पास लोग कम नहीं हैं जिनसे हम इस तरह के मशवरे ले सकते हैं। हम कॉलर्स के साथ भी ज़रा अपना रब्ता जो गुफ्तगू है वो भी हम करेंगे, देखें हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बोल? अस्सलाम वालेकुम। मैं तीसरी दफा वालेकुम, चौथी दफा वालेकुम सलाम जनाब, आपको आवाज आ रही है? बोल रहा हूँ जी, कहाँ से? कैनेडा से। कैनेडा से कौन सा बोल रहे हैं? आशीष खान बोल रहा हूँ। आशीष साहब कैनेडा किस जगह से बोल रहे हैं? टोरंटो से। टोरंटो से आशीष साहब सुनाइएगा जी। जी सलाम वालेकुम। मैंने जनाब गुजारिश की है आपको जी, कल जो प्रोग्राम आपने दिया था, हाँ जी, इसमें सरफराज नवाज और इसका नाम क्या, अभी जो साहब आए थे इंतखाब साहब थे, तो पहले तो ये था कि इंतखाब आलम साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट किधर है, बहुत टैलेंट है, तो ये लोग तो पैसे ले रहे हैं बैठे हुए, इनको चाहिए कि जाके दूर दराज जाए और जाके ढूंढे, तो बहुत ज्यादा टैलेंट मिलेगा इनको। पाकिस्तान टीम ने हमें बहुत लेट डाउन किया जिससे अभी ये सारा कुछ हुआ है। वहाँ पे कनाडा में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं, टोरंटो में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज्यादा क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है हम लोग, क्या आप वहाँ पे लाइव मैच देख रहे हैं? बिल्कुल लाइव मैच देख रहे थे, सारे लाइव मैच देख रहे हैं, हमने पैसे दिए हुए हैं अच्छे खासे, और इसका नाम क्या टेलीविजन प्रोग्राम दिए हुए हैं सारों ने। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ वहाँ पे पैसे दे के आप क्रिकेट देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मुफ्त देख रहे हैं। $200 के ये जो वर्ल्ड कप है ये $200 का एक पैकेज आपको लेना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच आशीष साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। कनाडा में और अमेरिका में भी यही सिलसिला होता है कि आपको एक पैकेज लेना पड़ता है और खासा महंगा पैकेज होता है। हम यहाँ पे बहुत लकी हैं जो हर चैनल पे हम देख रहे होते हैं मुफ्त मैचेस। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन सा और कहाँ से जी?
जो सीमा पर बोल रहा हूँ मैं कनाडा से जी, बस मैंने ये कहना था कि हमारे क्या अपने जो कोच हैं वो इतने से अच्छे प्लेयर हैं हमारे जो साबका हैं, क्या आप उनको क्यों नहीं लेते एक कोचिंग के लिए? बिल्कुल, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कनाडा किस जगह से बोल रहे हैं? जी मैं टोरंटो से बोल रहा हूँ। अच्छा, टोरंटो से आज बड़ी कॉल्स आ रही है। टोरंटो में आपने जो मैचेस देखे हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ पे जिस तरह आप लोग मैचेस देखते हैं, जाहिर है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बड़ी शदीद इस वक्त मायूसी का शिकार होगी। तो हमने अपने कान छोड़ के ये डिशे लगवाई, इतना इसका ये तमाम किया, मैंने यहाँ तक के केबल भी नहीं है इसलिए को कोई मैच मिस ना हो, लेकिन इन्होंने इतना इतना हमें मायूस किया, आप सोच ही सकते। बिलीव करो कि हमने खाना नहीं खाया, मेरी बेगम उसे नाराज किया होगा इतना, मैंने कहा आप सोच ही सकते हम इतना प्यार करते हैं। और पहले आप ये देखिए कि हमारे कोच इतने अच्छे हैं, इतने प्लेयर हमारे अच्छे हैं, क्या उनको क्या क्यों नहीं दिया जाता? और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए इन लोगों में इतनी ताकत क्यों नहीं, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते इनके, ऐसी बस लगता है जैसे ये मिट्टी के बारे हैं। और ये युवराज खान को तो बिल्कुल ही टीम में नहीं रखना चाहिए, चले वो इतने मैच खेल चुका है, उसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या कर रहा है। और उससे भाई याद उसकी चार है चार मैच में देखी है, वो गेंद बाहर की जाती है, वो खेल रहा है और कॉल भी हो रहा है, उसको इतना पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल ठीक, बट सर तो इनका जो बैटिंग का स्टाइल है ये देखे, वो पैर को सामने ला रहे विकेटों के सामने और बैट लीड आ रहा है इनका, ये कैसी कोचिंग हो रही है? वो बेचारा मर गया है, अल्लाह उसका साथ ले, लेकिन मकसद ये कहने का कि ये हमारे अपने कोच इतने अच्छे हैं, आप उनको लाए, उनको ये हमारी एक क्या कहते हैं बड़ी स्ट्रेंथ है। भट साहब थैंक यू वेरी मच, एक चीज आपसे गुजारिश करूंगा कि खाना आप ना छोड़ें, भट साहब हैं आप, भट साहब तो खाने नहीं छोड़ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भट साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और कनाडा में बैठ के आप खाने वाना बिल्कुल खाएं, और कोई बात नहीं, आप जज्बाती हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, गुस्सा है और पूरी दुनिया में नजर आ रहा है पाकिस्तानियों में गुस्सा है, शर्मिंदगी है। और हम खास तौर पे जब हम देखते हैं कि बाकी ममालिक जो हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और खासतौर पे छोटे छोटे ममालिक जो हैं वो आके हमें अगर बीट कर दें तो दुख होता है। टेक्निक वाइज भी देखें, मैं हैरान होता हूँ कि हमारे जो आम व्यूअर्स हैं वो टेक्निक पे कितना वो तवज्जो देते हैं, और हमारे जो कोचेज हैं उनको भी थोड़ा सा इसमें सीखना चाहिए कि हमारा एक आम व्यूअर जो है, एक आम स्पेक्टेटर जो है, वो कितना पढ़ा लिखा एजुकेटेड है और कितना क्रिकेट को समझने वाला है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स को भी चाहिए कि उन तवक्कात के ऊपर पूरा उतरें। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो होल्ड पे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा। टाइम हमेशा आड़े आता है और जो कौमें वक्त की कदर नहीं करती हैं वो गड़बड़ करती हैं। हम आपसे ज्यादा चाहेंगे और आखिर में दुआ कि आप खुश रहा करें, खुशियां बांटते रहा करें, इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सुपुर्दम बतोमाए खेशवा तुदानी हिसाब को मुबेशरा, मुझे इसरार किसानों को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। मुल्क में एमरजेंसी नाफिज नहीं की जा रही।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खास खास खबरें। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज नहीं की जा रही और इंतखाबात अपने मुकर्रा वक्त पर ही होंगे, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ। गवादर में पाकिस्तान के गहरे पानी की पहली बंदरगाह का आज इफ्तिताह हो रहा है। इराक के साबिक नायब सदर तोहा यासीन रमजान को बगदाद में फांसी दे दी गई है। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को वर्ल्ड कप क्रिकेट में 6 विकेटों से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब खबरों की तफसील से पहले एक ब्रेक। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज नहीं की जा रही और इंतखाबात अपने मुकर्रा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने ये बात जियो टेलीविजन को इंटरव्यू में कही।